Hello friends, welcome back to the channel Susim Blogs. This is Suraj, camera pe hai Simran. So basically aaj ka jo video hai wo isliye bana raha hu kyunki aaj hum logon ne ek naya place find out kiya hai Patna ke andar. It's a very nice place. Iska jo naam hai Daniyama fish dhaba. जो दानियामा एक बहुत ही फेमस जगह है. यदि पटना से नियर बाय में आप देखते हो कुछ 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दानियामा नाम का एक प्लेस है जो मछलियों के लिए फेमस है. वहाँ पे लोग जाते हैं मछली खाने के लिए क्योंकि मछलियाँ वहाँ की बहुत टेस्टी मानी जाती हैं और काफ़ी अच्छा होता है, तो उसके लिए लोग उधर जाते हैं. हम लोग भी कई बार जाते रहते हैं. आज मुझे अचानक से पता चला दैट पटना में ही दानियामा फिश ढाबा नाम का एक प्लेस है जो कुछ 6-7 महीने पहले ओपन हुआ. मुझे नहीं पता था, आज जानकारी मिली है. सो हम लोग आज यहाँ पे आए टेस्ट करने के लिए खाना. द फूड वॉज रियली रियली वेरी गुड. जो एम्बियंस है वो भी बहुत प्यारा है. इसको एक कोई मिस्टर सिन्हा जी हैं, केसी सिन्हा जी हैं, वो इसको रन कर रहे हैं. हम लोग उनसे भी मिले. सो ही इज़ बेसिकली होटल ईयर. उनके पास 2-3 होटल्स हैं पहले से पटना के अंदर और होटल मैनेजमेंट में उन्होंने डिग्री ले रखी है. आउट ऑफ इंडिया भी जाके उन्होंने काम किया हुआ है. इंडिया के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े नेम्स के साथ उन्होंने, ब्रांड्स के साथ उन्होंने बेसिकली काम किया हुआ है. सो ऑब्वियसली अच्छा आइडिया लेके आए हैं वो पटना के अंदर एंड होपफुली अच्छा चलेगा बिकॉज हमें तो काफ़ी अच्छा लगा. ये गोला रोड में है. यदि आप बेली रोड से आ रहे हो, यदि आप किस तरफ से बताऊं मैं आपको, यदि आप बेली रोड में यानी कि हड़ताली मोड़ की तरफ से यदि आ रहे हो सो आते आते आपको राइट हैंड साइड पे आना है. दूसरा वाला ब्रिज क्रॉस करके राइट हैंड साइड में जो रास्ता जाता है गोला रोड बोलते हैं, उस रोड में जब आप घुसते हो तो आपको स्ट्रेट बढ़ते जाना है. राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान देना है, आपको रोड पे साइड में दिख जाएगा. थोड़ा सा अंदर आना है राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. इट्स दानियामा फिश हाउस, फिश ढाबा. इट्स अ गुड प्लेस. मज़ा आया. इनके पास फिश का आइटम अच्छा खासा है, देन चिकन के भी एक दो आइटम्स हैं इनके पास में. इनके पास बटेर है, इनके पास मटन है. सो ओवरऑल यदि देखा जाए तो नॉनवेज का पूरा दुकान इन्होंने खोल रखा है. वेरी हाइजीनिक फूड काफ़ी अच्छे से बनता है. किचन आपके सामने दिखाई देता है कि कौन सा किचन है, किस तरीके से ये बना रहे हैं. बनाते हुए आप देख सकते हो जिंदा मछली का कॉन्सेप्ट है इनका. इन्होंने मछली का एक टब बना रखा है, उसमें जिंदा मछली होती है. जिंदा मछली को आप निकालते हैं अपने हाथ से, चाहें तो हाथ से निकालें और इनके किचन में दें, वो आपको बना के खिलाते हैं. सो इट्स अ गुड प्लेस, नाइस कॉन्सेप्ट. और पटना में ऑब्वियसली यदि ढाबा का बात किया जाए तो ढाबा तो पटना में ढाबा के नाम से ही लोग निगेटिव हो जाते हैं, बट देन इट्स अ गुड ढाबा, वेरी नाइस ढाबा. अच्छा लगा जाके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस वीडियो में देखिए ये ढाबा को हमने दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये दानियामा फिश ढाबा, परफेक्ट प्लेस टू हैव गुड फिश. ये ऑप्शंस हैं, बछुआ है, रेहू है, टिगरा है, रेहू कटिंग है. अच्छा ये फ्राई वाला होगा, हम लोग खाते हैं. देसी झींगा है, झींगा भी है. बढ़िया सा किचन है इनका, सबसे प्यारा तो एम्बियंस है. एंट्रेंस है, ये टैंक है, फिश टैंक है, इसमें फिश रहती हैं. यहाँ से आप जिंदा फिश पकड़ के और किचन में देते हो और वहाँ पर बना के ये लोग देते हैं. इस नेट से मछली पकड़ते हो आप. तो सुमो रानी कैसा लगा? बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा. अल्टीमेट चिकन भी फिश भी.
और सबसे बड़ी बात की इकोनॉमिकल 100 रुपीज में यू गेटिंग थाली अलॉन्ग विद दिस फुल फिश और साथ में राइस दैट टू ओके क्वांटिटी में सुपर एम्बियंस ये हैंड वॉश एरिया दिस इज अगेन गुड नाइस प्लेस सो यहाँ पे जिंदा मछलियाँ रहती हैं इस टैंक में फिलहाल एक ही बची हुई हैं ये रोहू है इसको आप इस नेट के थ्रू पकड़ सकते हैं एंड फिर खा सकते हैं मतलब कच्चा नहीं खा सकते हैं बनाने के लिए अंदर किचन में देना होगा वो लोग बना के देते हैं इसको बहुत ही प्यारा है एम्बियंस है मांगुर कतला रेहू टेंगरा झिंगा बटेर भी है मटन भी है मतलब नॉनवेज का फुल ऑन कलेक्शन नाम केसी सिन्हा केसी ये कब से चालू किया सर ये ऑलमोस्ट 7 महीना हो गया 7 महीना हो गया है तो 7 महीने से इनका ये ढाबा यहाँ पे चल रहा है आज हम लोगों को पता चल रहा है तो काफ़ी बढ़िया है क्या बेसिकली व्हाट मोटिवेटेड मतलब क्या आपको लगा कैसे हमने स्टार्ट किया गया क्या कॉन्सेप्ट क्या बहुत छोड़ा नहीं था तो ये कॉन्सेप्ट आया था कि एक बेसिक प्राइस से जो हर लोग के लिए अफोर्डेबल हो चाहे वो बहुत नीचे तबके के हों या बहुत ऊपर लोग तरह के लोग हों सब लोग अफोर्ड कर सकें विद अ हाइजीनिक फूड एंड फ्रेश फूड तो मछली एक सेक्शन ऐसा है कि पूरे अक्रॉस बिहार में किसी ने उस तरीके से डेवलप नहीं किया एक आध दो जगह है जो बहुत लोकल तरीके से लोग को बैठाता है इवन हाइजीनिक भी नहीं है तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा प्रोडक्ट स्टार्ट किया जाए स्पेशली फिश के लिए जहाँ पे फिश की बहुत सारी वैरायटीज़ हो, लाइव फिश हो बटेर हो मटन सूप हो चिकन का एक आधा आइटम है हमारे पास जो हर तरह के लोग यहाँ पे आके अफोर्ड कर सकें एक हाइजीनिक वे में और अफोर्डेबल प्राइस में आज के दिन में ऐसा है कि एक गरीब से गरीब इंसान क्योंकि 100 रुपये का भी आइटम हमारे पास है आराम से खा सकता वो आराम से खा सकता है हाइजीनिक फूड क्योंकि एक लेबर जो है हमारे आपसे ज़्यादा मेहनत करता है ऑब्वियसली और वो लंच में समोसा ही और कचौड़ी खा के यहाँ पे रह जाता है तो बीइंग होटेलियर मेरा उनकी तरफ भी कर्तव्य है कि उनको भी एक अच्छा खाना दें ह्यूमैनिटी मैनर तो उन लोग को मैं देने के लिए स्टार्ट किया था लेकिन साथ में उसको ऐसा फंक्शन मैंने बनाया कि आप तरह के आपके जैसे लोग भी यहाँ पे आके खा सकते हैं सही बात हर आदमी का एक हाइजीनिक और एक अच्छा हर तबके का इंसान आराम से खा सकता है यहाँ पे दैट टू हाइजीनिक अच्छा खाना तो मिल रहा है हमारा पाउंड है यहाँ पे जहाँ पे आप मछली देख सकते हैं वहाँ से खुद निकाल सकते हैं वेरी नाइस वेरी नाइस तो नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं अभी मार्केट में और इन्होंने नाम भी चुन कर रखा है दानियामा विच इज़ फेमस फॉर फिश तो उस नाम को यहाँ पे लेके आए हैं और काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं इट्स अ नाइस प्लेस मस्ट विजिट प्लेस चलिए सर थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू फॉर योर फूड थैंक यू सो ये मिस्टर केसी सिन्हा का इंटरव्यू देख लिया आपने जो मैंने छोटा सा इंटरव्यू किया उनका अच्छा थॉट है उनका और काफ़ी अच्छा आइडिया है एक्चुअली सो ओवरऑल गुड ढाबा गुड एम्बियंस गुड फूड सो यू मस्ट ट्राई दिस ढाबा वंस एट लीस्ट एक बार आएंगे तो शायद बार बार आना पड़ेगा जैसे हम लोगों का ये काफ़ी पसंद है हम लोग डेफिनेटली दोबारा यहाँ पे जाएंगे और तीसरी बार भी जाएंगे और बार बार जाएंगे बिकॉज पटना में इस तरीके का नया कॉन्सेप्ट आया है सो वी शुड डेफिनेटली ट्राई दिस थिंग अच्छा था सो ओवरऑल यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू